सो आज का वीडियो है UMF यानी अल्ट्रा म्यूजिक फेस्टिवल के ऊपर। इस वीडियो में मैं आपको UMF के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा और बताऊंगा कि आप वहां कैसे पहुंच सकते हैं ना चीपेस्ट बजट। सो पूरा वीडियो एंड तक देखिए। टुमारोलैंड के बाद अल्ट्रा म्यूजिक फेस्टिवल का काफ़ी डिमांड है पूरे वर्ल्ड में और ये वीडियो बनाने के लिए भी मेरे पास काफ़ी डिमांड आया था। आप मेरा टुमारोलैंड वाला वीडियो भी जाकर चेक कर सकते हैं। UMF बेसिकली एक म्यूजिक फेस्टिवल है जो मेनली 3 डेज का होता है, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ये फेस्टिवल ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी जगह में होता है, जैसे कि चाइना, सिंगापुर, ब्राज़ील, यूरोप, मेक्सिको, साउथ कोरिया एक्सेट्रा। पर सबसे मेन और बड़ा स्टेज है मायामी में और आज का वीडियो भी उसी के ऊपर है। यहाँ पर मार्टिन गैरिक्स, डेविड ग्यूटर, हार्डवेल और मार्शमेलोस जैसे काफ़ी फेमस डीजेस परफॉर्म करते हैं। ये 3 डेज के अंदर मोर देन 10 to 20 डीजेस परफॉर्म करते हैं और हर एक का परफॉर्मेंस अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर तक का होता है। मायामी में नेक्स्ट फेस्टिवल 20th, 21st और 22nd of March में होगा इन 2020 में, यानी नेक्स्ट ईयर। और वेन्यू है बेफ्रंट पार्क, डाउनटाउन मायामी। अल्ट्रा म्यूजिक फेस्टिवल मायामी के लिए 2 टाइप के टिकट्स अवेलेबल है, एक है नॉर्मल, दूसरा है VIP। नॉर्मल टिकट्स के जनरली 4 टायर्स निकलते हैं सेल पे और सबसे पहले आता है फर्स्ट टायर जो $300 का होता है, यानी 21,000 रुपीज़। जब ये सोल्ड आउट हो जाता है तब आता है सेकेंड टायर जो $350 का होता है, यानी 25,000 रुपीज़। ये सोल्ड आउट हो जाने के बाद आता है थर्ड टायर जो है $400, यानी 28,600 रुपीज़। और फिर लास्ट में आता है फोर्थ टायर जो नॉर्मल टिकट से सबसे कॉस्टली होता है, यानी 32,200 रुपीज़ पर टिकट। ये सब टिकट सेम है, ये बस प्राइसिंग के टायर्स हैं, मतलब आप जितने जल्दी बुक करेंगे आपको इतना कम पैसा लगेगा। और मैं आपको एक सैड न्यूज़ देना चाहता हूँ, 2020 के UMF मायामी के टायर 1 and 2 ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं। आप UMF के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब नॉर्मल टिकट्स के बाद आता है VIP टिकट्स जो है $1,500, यानी 1,07,000 रुपीज़ के आसपास। VIP टिकट्स बहुत महंगा है पर उसके अपने बेनिफिट्स है। यू विल गेट अ सेपरेट बाथरूम, आपको आराम से बैठने दिया जाएगा और VIP एरियाज आर कवर्ड सो वहाँ रेन और सन का इफेक्ट नहीं होता। और लास्टली आपको एंट्रेंस लाइन में वेट नहीं करना पड़ेगा, वेयर एज ऑन दी अदर साइड नॉर्मल टिकट्स में आपको पब्लिक टॉयलेट यूज़ करना पड़ेगा जिसमें कभी कभी 10 टू 15 मिनट्स वेट भी करना पड़ता है। आपको एंट्रेंस लाइन में घंटों का वेट करना पड़ेगा और धूप हो या बारिश आपको सब अपने से सहना पड़ेगा। वैसे असली मज़ा तो नॉर्मल टिकट्स में ही आएगा ऑन एन ओपन ग्राउंड विद एवरीवन। व्हाट्स योर ओपिनियन, कमेंट डाउन बिलो। टिकट्स के इन्फॉर्मेशन के लिए आप UMF के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सब्सक्राइब फॉर अपडेट्स पर क्लिक करके लॉग इन कर लीजिए, वो आपको सारी नोटिफिकेशंस दे देगा। सो ये तो हो गया टिकट परचेज। अब क्वेश्चन आता है कि आप मायामी कैसे पहुंच सकते हैं। आपको मायामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लैंड करना पड़ेगा जो बेफ्रंट पार्क जहां पे अल्ट्रा म्यूजिक फेस्टिवल होने वाला है वहां से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है। आपको मायामी के लिए फ्लाइट्स कहीं से भी मिल जाएंगे पर सबसे चीपेस्ट और फास्टेस्ट फ्लाइट आपको सिर्फ दिल्ली से ही मिलेंगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जहां कहीं भी है पहले दिल्ली एयरपोर्ट आ जाएं। इसका 1 वे फ्लाइट का प्राइस पड़ जाएगा अराउंड 46,000 रुपीज़ के आसपास पर पर्सन और ये 22 आवर्स का जर्नी होगा विद 1 स्टॉपेज इन बिटवीन, दैट इज इस्तांबुल विच इज़ इन टर्की। सो ये था कि आप मायामी कैसे पहुंच सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ top 3 चीपेस्ट विद बेस्ट रिव्यूज होटल्स टू स्टे इन मायामी। मैं सारे होटल्स बे फ्रंट पार्क के पास सजेस्ट कर रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फर्स्ट होटल है YVE होटल मायामी। ये एक 3-स्टार होटल है। इसका पर नाइट रूम का प्राइस पड़ जाएगा अराउंड 9,000 रुपीज़ के आसपास फॉर 2 पर्सन। ये बे फ्रंट पार्क के वॉकिंग डिस्टेंस पर है। सेकेंड होटल है हॉलीडे इन पोर्ट ऑफ मायामी। ये भी एक 3-स्टार होटल है। इसका पर नाइट रूम का प्राइस पड़ जाएगा अराउंड 9,000 रुपीज़ के आसपास फॉर 2 पर्सन। ये भी बे फ्रंट पार्क के वॉकिंग डिस्टेंस पर है। थर्ड होटल है लियामिंगटन होटल। ये एक 2-स्टार होटल है। इसका पर नाइट रूम का प्राइस पड़ जाएगा अराउंड 5,600 रुपीज़ के आसपास फॉर 2 पर्सन। ये भी बे फ्रंट पार्क के वॉकिंग डिस्टेंस पर है। सो ये था top 3 होटल्स। और किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप UMF के ऑफिशियल वेबसाइट को प्रेफर कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा और ट्रैवलिंग से रिलेटेड ऐसा ही वीडियोज़ देखना है तो सब्सक्राइब करिएगा। सो बाय एंड एन्जॉय योर जर्नी।